हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और मैं आप सबको अपने चैनल नेहा शर्मा रियल ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और ये इवनिंग का टाइम है तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, उससे पहले बनाऊंगी कॉफी। तो अभी अभी मैं वीडियो की शुरुआत कर चुकी हूँ, साथ में खाना ही बनाते रहूंगी और थोड़ी बहुत दिखाते भी जाऊंगी क्या क्या बना रही हूँ। ऐसे आज दिन है सैटरडे तो और कुछ तो बनाऊंगी नहीं, खिचड़ी ही बनाऊंगी। एकदम विंटर वाली स्पेशल खिचड़ी, जो गोभी मटर आलू सब डाल करके बनाते हैं ना, वो वाली बनाऊंगी। तो ये आपके पास आपके साथ शेयर भी करूंगी रेसिपी। तो चलिए, इधर मैं कुकर में आलू भी उबाल करके रख दी हूँ, इसका गैस भी निकल चुका है। देखिए काफ़ी पहले कुकर चढ़ा दी थी आलू उबालने के लिए, क्योंकि आलू का चोखा भी बनाना है, थोड़ी सी पकौड़ी भी बनाना है। मिर्च का मिर्च रखा हुआ है, जो मोटी वाली मिर्च ना होती वो वाली, अभी मिर्च भी रखी हुई है तो रखे रखे थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, तो इसलिए मैं सोचू इसका पकौड़ी भी बना दूं। और अभी सब लोग कंपनी से भी आ चुके हैं ड्यूटी से, तो मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। पहले तो अपने लिए बनाने जा रही थी, मगर सबके लिए बनाऊंगी और सब लोग साथ में बैठकर पिएंगे। पकौड़ी तो अभी नहीं बन पाएगी चाय के साथ में, वो खाने के साथ ही बन पाएगी, क्योंकि टाइम लगेगा ना बनाने में। और खिचड़ी बनाने के लिए भी मैं चावल दाल धो करके रख दूंगी, आधे घंटे के लिए फूल जाएगा जब तभी बनाऊंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना दाल ली हूँ और कितना चावल लूँगी। और हाँ, जैसे मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, मगर आप लोग करते नहीं है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे आप पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने काम की तरफ। ये देखिए उड़द की दाल है ऊपर, बोलते हैं शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी खानी चाहिए, इसलिए मैं उड़द की दाल थोड़ा सा ले ली हूँ। और ये बोलते हैं मिक्स दाल, मूंग और मसूर की दाल है मिक्स। तो ये मैं यहाँ पे एक गिलास दाल ले ली हूँ और इसी गिलास से डेढ़ गिलास चावल ले लूंगी खिचड़ी बनाने के लिए। थोड़ा सा पानी लगा हुआ था इसीलिए चिपक रहा है। इसको धो करके और रख देना है ताकि ये फूल जाए अच्छे से। और ये देखिए चावल भी और दाल भी धुल चुका है। इसको पानी में डालकर नहीं रखेंगे, इसका पानी निकाल करके रखेंगे और बस आधे घंटे के लिए रख देंगे, फूल जाएगा। और मैं बना रही हूँ कॉफी। और अभी मैं यहाँ पे कुकर खोल करके आलू, कुकर का गैस निकल चुका था जो मैं आलू उबाली थी उसका, तो आलू निकाल करके उसको तोड़ करके रख दूंगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि इसका चोखा बनाना है मिर्च में भरने के लिए। अभी देखिए गरम है, दूध भी गर्म हो चुका था, खोल चुका था, तो इसमें मैं स्वाद के अनुसार चीनी डाल दी थी और कॉफ़ी पाउडर। मुझे उतना अच्छे से कॉफ़ी बनाना तो नहीं आता, जैसे फेंट करके खूब झाग वाली कॉफ़ी वैसे नहीं आता, बस नॉर्मल ही दूध गर्म करती हूँ, चीनी डालती हूँ और कॉफ़ी बस बना लेती हूँ। और कॉफ़ी तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, कभी भी कोई बोल दे कॉफ़ी पीना है तो मुझे मैं मना करती ही नहीं हूँ। और ये रहा मेरा भरकर गिलास है कॉफ़ी का, क्योंकि एक कप से, छोटा सा कप से मेरा गुजारा नहीं होने वाला है। कॉफ़ी ठंडी है वैसे भी, और कॉफ़ी ऐसे ही मुझे ज़्यादा पसंद है, चाय उतना पसंद नहीं है, नहीं तो कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ देखिए सब फैमिली टाइम चल रहा है, मस्ती सबका।
और बस चाय पीने के बाद फिर से आ गई किचन में, सॉरी कॉफी पीने के बाद। कढ़ाई गर्म हो चुका था तो उसमें डाल दी थी मैं सरसों का तेल, उसके बाद जीरा, फिर लहसुन कटी हुई, हरी मिर्च कटी हुई, और जब सारे चीज़ अच्छे से पक जाए उसके बाद थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालने के बाद सबको मिक्स कर ली थी। बस 30 सेकंड के लिए भून लेना है, ज़्यादा हल्दी को नहीं भूनेंगे। और उसके बाद जो मैं आलू उबाल करके मैश करके रखी थी ठंडा होने के लिए, उसको डाल देना है और इसमें, और इसको भी भून लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दी स्वाद अनुसार नमक, कलौंजी, अजवाइन। इस तरीके से अगर आप चोखा बनाते हैं तो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। और लास्ट में डाल दूंगी यहाँ हरा धनिया कटा हुआ फ्लेवर के लिए। और फिर इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है अच्छे से। थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकेगा नीचे, मगर परेशान होने की बात नहीं है, वो सारा साफ हो जाता है, अच्छे से निकल जाता है। और इधर मैं चोखा बना करके भी साइड में रख दी हूँ ठंडा होने के लिए, तब तक मैं खिचड़ी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो चूल्हे को चढ़ा दी हूँ कुकर पे, उस पर डाल दी थी देसी घी और जीरा, दो तेज पत्ता और दो हरी मिर्च तोड़ करके, और उसी के बाद में प्याज डाली थी। जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो उसके बाद तुरंत डाल देना है आलू और गोभी। गोभी थोड़ा मोटा मोटा काटना है कि कुकर में बनाना है तो जब सीटी लगती है कुकर में तो गोभी जल्दी गल जाता है, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा गोभी काट लेंगे। और ये सारा चीज़ डालने के बाद सब आलू गोभी मटर डाल देंगे, मटर भी डाल देंगे साथ में ही, और सबको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही सारा सामान भून जाए उसके बाद हम डाल देंगे सारी सब्जियां भूनने के बाद नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर। और उसके बाद जो हम चावल धोकर रखे थे भिगो करके, वो चावल, और चावल को भी 1 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद फिर डाल देंगे पालक कटी हुई, जो पालक काट कर धोकर मैं रखी थी वो डाल दी हूँ। और बस उसके बाद पानी डाल देना है, पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि खिचड़ी बनानी है तो ज़्यादा सूखा तो खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देंगे। और यहाँ देखिए मिर्च का पकौड़ा बनाने के लिए भी मैं बैटर पहले ही बना करके रख दी थी बेसन का, और उसमें अब डाल दी हूँ हरा धनिया की पत्ती कटी हुई और खाने वाला सोडा थोड़ा सा, बस आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही था खाने वाला सोडा, वही मैं डाल दी हूँ। और थोड़ा सा मुझे बैटर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी यहाँ पे। और बेसन के घोल बनाते समय मैं हल्दी पाउडर, मिर्च का पाउडर और नमक पाउडर, सॉरी नमक, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल करके बना कर घोल करके रख दी थी मैं सेट होने के लिए। जब कॉफ़ी बन रहा था उतने समय से ही मैं वो चावल भी धोई थी और बेसन का घोल भी बना करके रख दी थी। और हमारा भरता भी अच्छे से तैयार है आलू का चोखा, अब इसको फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पे, मेरा मन कर रहा था खाने का तो नमक चखने के बहाने से मैं थोड़ा सा खा भी ली थी, नमक भी चख रही थी कि सही है कि नहीं। देखिए आपका मन है, इसमें अगर चाहे तो गरम मसाला चोखे में डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं स्वाद के लिए, जो भी आप खाते हैं, जो जो चीज़ आपको पसंद है डाल सकते हैं। मगर मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बगैर चाट मसाला, आमचूर पाउडर, नींबू ये सब डाले ही, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से। और हम लोगों को ऐसे ही अच्छा भी लगता है, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, ऐसी बात नहीं है कि कहीं से कोई दिक्कत है कि अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद अच्छा नहीं है, फीका है, कुछ भी नहीं लगता है, एकदम अच्छा लगता है। और फिर से बैटर को एक बार मिला लेंगे और सारे मिर्च जो भर कर मैं रख दी हूँ उसको इसी में डाल करके अच्छे से कोट कर लेना है। और उधर कढ़ाई में तेल भी रख दी थी गर्म होने के लिए, फ्राई करने के लिए इसको। बस सारे मिर्ची महाराज को निकालेंगे और गरम गरम तेल में डाल देना है तलने के लिए। और कॉफ़ी पीने के बाद, खिचड़ी चढ़ा देने के बाद भी मैं चली गई थी मार्केट, भी थोड़ा सा बच्चों का कॉफ़ी ख़त्म था तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चले गए थे मार्केट कॉफ़ी लाने बच्चों के लिए। कॉफ़ी लेकर के आई, उसके बाद फिर से पकौड़ी तलने बाकी थी मिर्ची वाला, वही मैं तल रही हूँ। और उसके बाद फिर खाना ही खाना है। ये देखिए पकौड़ियाँ भी तल करके तैयार हो चुकी हैं, बाकी के पकौड़ियों भी तल लूँगी। और तब तक खिचड़ी का कुकर भी खोल करके देखती हूँ कि अच्छे से पका है कि नहीं।
और फ्रेंड्स मैं तो कहती हूँ ना कि अभी सीजन चल रहा है, मटर गोभी पालक हर चीज़ मिल रहा है, तो आप लोग भी एक दो बार ना खिचड़ी बना करके ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है। एक तो प्रोटीन भी मिल जाता है, दाल ऐसे बच्चे उतना दाल खाते नहीं है तो इसी तरीके से बन जाए तो अच्छा भी लगता है खाने में भी, और थोड़ा स्वाद भी चेंज हो जाता है। और ये देखिए खिचड़ी भी हमारा सही है ना, ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। और ये मिर्च के पकौड़े को डेकोरेट किए हैं मेरे पति देव सॉस डाल के ऊपर से, तो उनके लिए एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। और अब मैं यहाँ खाना निकाल दे रही हूँ सबके लिए, गरम गरम खिचड़ी आलू का चोखा, और वहाँ पे मैं थोड़ा सा पापड़ तो ख़त्म था, जो भी कचरी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसी को मैं अभी तल दी थी। ये था हमारा सिंपल सा डिनर, एकदम विंटर वाली गरम गरम, और ऊपर से डाल देंगे फिर से एक बार देसी घी। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय फ्रेंड।